यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन तक लू का कहर जारी रहेगा। उत्तर भारत में अगले 5 दिन तापमान में कोई गिरावट आने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है तो कई शहरों में पारा 45 के पार पहुंच गया है। 7 प्रदेशों में लू का अलर्ट जारी किया गया है और ज्यादा जानकारी लेंगे अनिल मोर, हमारे संवाददाता दिल्ली से फोन लाइन पर है। अनिल, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, झुलसाने वाली गर्मी है, ऐसे में दिल्ली के क्या कुछ हाल है? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी काफी गर्मी है, जो गर्मी का प्रकोप है, जो लू है लगातार चल रही है। अगर तापमान की बात करें, पिछले अगर 3-4 दिन की बात करें, लगातार तापमान 40 डिग्री के आसपास ही रह रहा है और जो मौसम विभाग है उनका भी मानना है कि अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी से किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। गर्मी के साथ साथ जो लू है, लू चलेगी और जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर ही रहेगा। ये हाल दिल्ली एनसीआर का अकेले का नहीं है, जो उत्तर भारत के 6-7 राज्य, उत्तर भारत के सभी राज्यों में यही नजारा देखने को मिल रहा है। तापमान है वो 45-40 डिग्री से ऊपर ही रहता है और जो मौसम विभाग है उनका यही मानना है कि अगले कई दिन तक भी गर्मी से किसी अनिल आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर राज सिंह, मौसम वैज्ञानिक, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर राज सिंह खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी डॉक्टर राज सिंह। अभी क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, अलर्ट जारी किया गया है, कितने दिन इसी तरह से मौसम रहने वाला है? अभी फिलहाल तो ये पूरा वीक, जो हफ्ता सप्ताह कह सकते हैं जी, लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील रहेगा। हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा ये धूल भरी आंधी या थोड़ा सा तेज हवाएं चल जाए, लेकिन गर्मी का प्रकोप ऐसा जारी रहेगा। करीब हफ्ते भर जो है इसी तरह से गर्मी का प्रकोप रहने वाला है, उसके बाद में मौसम में बदलाव नजर आएगा। हाँ, ये कह सकते हैं जी। इसके साथ ही डॉक्टर राज सिंह, क्योंकि गर्मी का प्रकोप तो बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कि मानसून की, तो वो इस बार समय पर आने की उम्मीद है? मानसून अभी तक जो उसका लग रहा है, बिल्कुल मानसून समय पर आने की संभावना है। जैसा कि अपने नॉर्थ हरियाणा में अगर मैं बात करूँ तो जून के लास्ट में, और हरियाणा की बात करूँ तो अपने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो है पहुंच जाता है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी वो टाइम पर पहुंच जाए। समय पर जो है मानसून आने की उम्मीद है। जून लास्ट में आपने कहा कि जून के अंत तक मानसून जो है वो हरियाणा में आ जाएगा, लेकिन जो गर्मी जो बढ़ रही है, कितने राज्य जो है इससे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, जहाँ तक गर्मी का प्रकोप है, गर्मी का प्रकोप तो ऑलमोस्ट अगर हम पूरा नॉर्थ इंडिया कहें, एक्सेप्ट हिमाचल और कश्मीर, लेकिन उन लोगों की जो देखते हुए उनको भी काफी गर्मी महसूस होती है इन दिनों में, लेकिन हमारे जो प्लेन एरिया है, जिस तरह वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पूरी जो है लू और उसका गर्मी का प्रकोप जारी है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनिल मोर, अभी जिस तरह से डॉक्टर आसिम ने कहा कि अगले लगभग 1 हफ्ता मान ले, अगर हम 1 हफ्ते तक इसी तरह से प्रकोप जो है गर्मी का वो रहने वाला है, यानी तपिश जो है बरकरार रहने वाली है, इसमें दिल्ली में दिन में क्या लोग नजर आते हैं सड़कों पर? चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा में भी लू का अलर्ट है, 7 राज्य हैं करीब। उत्तर भारत के सभी राज्यों में जो है गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल को छोड़ दें तो इसके अलावा करीब 7 राज्यों में अलर्ट जो है जारी किया गया है। कई शहरों में पारा 45 के भी पार पहुंच गया है और ऐसे में जो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर राज सिंह को आपने सुना, मौसम वैज्ञानिक को, जिन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ता जो है, करीब 1 सप्ताह इसी तरह से मौसम रहने वाला है, यानी कि तपिश जो है सूरज की इसी तरह से रहेगी। अनिल मोर हमारे संवाददाता एक बार फिर से फोन लाइन पर। अनिल मोर, डॉक्टर राज सिंह मौसम वैज्ञानिक, जिनका कहना है कि करीब 1 सप्ताह जो है मौसम इसी तरह से रहने वाला है, यानी गर्मी इसी तरह से बरकरार रहने वाली है, ऐसे में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या दिन में लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पर? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि आने वाले 5-7 दिन तक भी गर्मी से किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। वहीं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें,
दिल्ली में जो अमूमन दिन में जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक में फिलहाल काफी हद तक कमी है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। अब काफी हद तक स्कूलों की छुट्टियां भी हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं पहाड़ी इलाकों में जा चुके घूमने के लिए, और कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली में है वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकला जाए, क्योंकि तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, गर्मी काफी है। तो ऐसे में लोगों की यही कोशिश है कि गर्मी से कैसे बचाव किया जाए। लू के थपेड़े भी साथ में सहने को मिल रहे हैं, ऐसे में गर्मी से बचाव करने के लिए क्या कुछ रास्ते दिल्ली वाले अपना रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर गर्मी से बचाव की बात करें, लोगों की पहली कोशिश यही रहती है कि जो लोग अपने ऑफिस में काम करते हैं तो दिन भर वो ऑफिस में ही रहते हैं, कोशिश करते हैं कि ज्यादा बाहर ना जाए या अपने घरों में रहे। इसके अलावा जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की भी यही सलाह रहती है कि लोग गर्मी से बचने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं छतरी का इस्तेमाल कर सकती है, लोग ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। इस तरह की जो डॉक्टरी सलाह होती है लोग उन्हीं सलाहों पर अमल कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल मोर तमाम जानकारी के लिए। तो लोग जो है अपने घरेलू नुस्खे जो है अपना रहे हैं, ज़्यादा पानी पीना है या फिर बाहर जाते हुए छाते का इस्तेमाल करना है या कपड़े से खुद को ढकना है, ऐसे रास्ते जो है अपना रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। साथ ही कम लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि बाहर लू के थपेड़े सहने को मिल रहे हैं, ऐसे में अगर ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही सभी के लिए जानकारी जो है दी जाती है कि अगर ज़रूरत है आपको तो ही घर से बाहर निकलें क्योंकि लू जो है वो भी चल रही है।